नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि गुरु पूर्णिमा का वीडियो दे चुकी हूँ, अब 4 जुलाई से सावन लगने वाला है और 2 सावन लगेगा जिसमें अधिक मास का सावन भी रहेगा। तो इसी के विषय में आपको बताऊंगी। बहुत सारे प्रश्न आए हैं तो उनके उत्तर के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा और जो सावन होगा वो 59 दिनों का होगा सावन इस बार, और 4 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक, यानी कि 4 जुलाई से 30 अगस्त तक सावन रहेगा 59 दिनों तक। जब हमसे प्रश्न करते हैं लोग, तुमको बताती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको 16 सोमवार करना है, प्रति सोमवार करना है, सावन सोमवार करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका मंगला गौरी का व्रत, यानी कि जो ये 9 मंगला गौरी पड़ रहा है जो 2 सावन में, वो करने से क्या उनका 3 साल का व्रत पहले हो गया है और अभी 9 मंगला गौरी व्रत करेंगे तो क्या उनका व्रत पूरा माना जाएगा, वो उद्यापन कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सावन 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा जो कि 17 जुलाई तक शुद्ध सावन रहेगा। तो इस शुद्ध सावन में अगर आपका कोई भी व्रत पूरा होता है, कोई भी व्रत, जैसे कि हफ्तावारी का व्रत रविवार से लेकर शनिवार तक में कोई भी व्रत करते हैं तो इसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर इसके बाद पूरा होता है व्रत तो आप अधिक मास का भी व्रत कर लें। फिर जब शुद्ध मास होगा, यानी कि जब 16 अगस्त के बाद 17 अगस्त से आप उद्यापन कर लें, भले ही कि उन अधिक मास में ही व्रत पूरा हो जाए, तब भी 16 अगस्त के बाद ही उद्यापन करें हफ्तावारी व्रत का, या आप एकादशी व्रत रह रहे हैं, या आप प्रदोष व्रत रह रहे हैं, या आप शिव चतुर्थी व्रत रह रहे हैं, और या तो पूर्णिमा व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं आप, तो ये अधिक मास में उद्यापन न करके अब 4 तो और दिन बढ़ेंगे जो भी, तो आप 17 अगस्त के बाद उद्यापन करें। फिर जिनका जो मंगला गौरी का व्रत, जैसे बताई हूँ, एक मंगला गौरी का वीडियो भी दी हूँ कि मंगला गौरी व्रत ऐसा है कि विवाहिता, जिस साल विवाह होता है उसी साल सावन के महीने से जितने भी मंगलवार, 4 या कभी कभी 5 मंगलवार पड़ते हैं तो उनका व्रत किया जाता है। और ऐसा भी विधान है 5 साल तक किया जाता है, ऐसा भी विधान है कि विवाह के पहले साल सावन में मंगलवारों का व्रत शुरू करके कंटिन्यू लगातार 1 साल तक सभी मंगलवारों का जब व्रत कर ले तो 5 साल तक मंगलवारों का व्रत नहीं करना पड़ता। और वही विधि विधान, जो विधि विधान है कि गौरी मैया का 4 जो है लिंग बनाना चाहिए मिट्टी का, उनका 4 पहर में पूजा करें हर मंगलवार को, 1 साल करके आप पूजा पूरा करके उद्यापन कर सकते हैं। जो मंगलवार का व्रत 5 साल तक का कर रहे हैं, 3 साल उनका पूरा हो गया है, तो आपका जो ये मंगला गौरी इस बार 9 मंगला गौरी पड़ रहा है, 2 अधिक मास के पहले, 2 अधिक मास के बाद शुद्ध सावन में, 4 और 5 पड़ रहा है अधिक मास में, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर अधिक मास में आप कोई व्रत करते हैं तो उसका पुण्य फल श्री हरि विष्णु को अर्पण कर दिया जाता है, उसको गिनती में नहीं लिया जाता है। भक्तों को ये जानना चाहिए, आप गिनती में लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन ये अधिक मास का व्रत श्री हरि को अर्पण कर दिया जाता है, इसको गिनती में नहीं लिया जाता है। हाँ, आप 2 मंगलवार का शुद्ध सावन का, 2 मंगलवार का अधिक मास के बाद शुद्ध सावन का, 4 मंगलवारों का व्रत जोड़ सकती हैं। आपका 3 साल का हुआ है तो 1 साल का इसका मान के अगले साल आप व्रत करके उद्यापन कर सकती हैं। उसी प्रकार से सोमवार का, सोमवार इस बार 8 सोमवार पड़ रहा है दोनों सावन में मिला के, 2 शुद्ध सावन में अधिक मास के पहले, 2 शुद्ध सावन में अधिक मास के बाद, और 4 सोमवार अधिक मास में पड़ रहे हैं। तो जैसे कि सोमवार का व्रत सभी सोमवार में जो करते हैं वही वो नहीं है, वो सोमवार का व्रत करती हैं बहुत सारे भक्त, ऐसे महिला हैं कि सावन के सोमवार का व्रत करती हैं, जो 4 सोमवार अधिक मास का है वो भगवान श्री
शिव जी को अर्पण कर दो। अधिक मास का जो सोमवार का व्रत होता है शिव जी को, क्योंकि शिव जी ही ये जो चौमासा में भगवान जब बलि के यहाँ गए हैं सोने, तो चौमासा में शिव जी ही सभी भक्तों का देख रेख कर रहे हैं। उसी प्रकार से 16 सोमवार एक ऐसा व्रत है कि ये सोमवार में 16 सोमवार में अगर एक भी सोमवार खंडित हो गया तो व्रत खंडित माना जाता है। मान लीजिए 16 सोमवार का व्रत आप शुरू किए, किसी भी कारण से एक व्रत नहीं किए, तो फिर से दोबारा आपको 16 सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। 16 सोमवार का नियम ही यही है। तो जो लोग 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, अगर उनका व्रत अधिक मास में मलमास में ही अगर पूरा होता है तो आप 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। बाकी व्रतों में क्या है, मान लीजिए जैसे रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, गुरुवार है, बुधवार है, कोई भी व्रत है, तो इसमें अधिक मास का व्रत आप करके श्री हरि विष्णु को अर्पण कर दें। जब शुद्ध मास आए तो आप उद्यापन करें। 16 सोमवार का व्रत अगर पूरा हुआ है, अधिक मास में ही पूरा हो गया हो, तो आप उद्यापन कर सकती हैं। ये आप ध्यान रखें कि 16 सोमवार एक ऐसा व्रत है कि उसमें खंडित नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे मान लीजिए महिलाएं अशुद्ध होती हैं तो व्रत करें, उनका व्रत काउंट होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है जो भी अशुद्धता होती है महावारी का। 16 सोमवार विधिवत इसीलिए उद्यापन किया जाता है कि उद्यापन में जो भी निम्नता या अधिकता होती है वो उद्यापन में क्षमा याचना करके भरपाई किया जा सकता है दान पुण्य करके। जैसे वैभव लक्ष्मी का नियम है कि अपने ही घर से व्रत को शुरू करें और अपने ही घर में करें। यानी कि मान लीजिए आप वैभव लक्ष्मी के शुक्रवार के दिन कहीं दूसरे के यहाँ गए हैं, मेहमानी में या परदेश में या यात्रा में हैं, तो आपको व्रत नहीं करना है, ऐसी मान्यता है। अगर ऐसे में आप व्रत करोगे तो माना नहीं जाएगा। अपने ही घर में व्रत शुरू करें, अपने ही घर में व्रत करें और अपने ही घर में उद्यापन करें। अब प्रश्न आता है, बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि महिलाएं भक्त जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो परदेश में अपने पति के साथ गई हैं, या कुछ लोग सरकारी मकान में रह रहे हैं और कुछ लोग किराए में रह रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि वो वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू तो किए थे अपने घर से, लेकिन अब आ गए हैं परदेश में, घर किराए का है या घर सरकारी है, तो ऐसे में क्या हम व्रत कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? तो मैं आपको इस विषय में भी बता रही हूँ, वीडियो को ध्यान से देखें। जो लोग अपने घर से व्रत शुरू किए हैं और पति के साथ परदेश गए हैं, वो शासकीय क्वार्टर में रहते हैं, तो वो जो क्वार्टर है वो उन्हीं का है, शासन द्वारा दिया हुआ क्वार्टर है, आपका अधिकार है। आपके पति नौकरी करते हैं या आप खुद नौकरी करती हैं शासकीय विभाग में, वो आपको मिला है तो आपका है, वो आप वहाँ व्रत भी कर सकती हैं और उद्यापन भी कर सकती हैं। सिर्फ प्रत्येक घर ही अपना घर नहीं होता, मायका भी अपना ही घर होता है, हमेशा के लिए अपना ही घर। विवाह के बाद भी कहते हैं कि बेटी बूढ़ी हो जाती है, मायका कभी बूढ़ा नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न करते हैं लोग कि हम व्रत को अपने ससुराल में शुरू किए थे पर किसी कारणवश वो मायके में हैं, तो क्या मायके में उद्यापन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, सभी व्रतों का शुरुआत ही मायके से किया जाता है, आप उद्यापन भी मायके में कर सकती हैं। फिर बोलते हैं हम किराए के घर में हैं, तो किराया जिस घर में आप रहते हो उसका मूल्य आप चुकाते हो, वो आपका हो गया। जब आप उसको मूल्य दे दिए, किराया दे दिए, तो घर आपका हो गया। किराए के घर में भी आप वैभव लक्ष्मी का विधिवत उद्यापन कर सकती हैं। तो मैं आपको व्रतों के बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग महिला भक्त बोली हैं कि हमको बहुत मन है कि हम ये जो सावन का सोमवार है इसका हम व्रत करें, तो आप बिल्कुल व्रत करें। आप 4 जुलाई के बाद से जो भी सोमवार पड़ेंगे, जैसे 8 सोमवार पड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल व्रत करें, लेकिन इस व्रत को व्रत के जैसे ही करें, संकल्प में सावन का, जैसे बहुत सारे लोग कि हम 16 सालों का सावन सोमवार करेंगे या जो भी, तो वो ना माने। इस साल आप व्रत कर लें, आपको मन है, फिर अगले साल जब शुद्ध सावन आएगा फिर संकल्प करना, अगर आपको लंबे समय तक व्रत करना है तो। उसी प्रकार से पूर्णिमा, प्रदोष, जो भी आपको व्रत, यानी कि अब जैसे बहुत सारे प्रश्न है कि जब 4 जुलाई से सावन लग रहा है तो शुद्ध मासी है, तो हम व्रत को किसी भी व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल शुरू आप कर सकते थे, लेकिन सिर्फ कहावत कहा कि धरते झापी बॉर्डर आ गया,
कि कोई भी काम शुरुआत करो तो उसमें बॉन्डर आ गया। बॉन्डर यानी कि व्याधा। जैसे आप 15 दिन ही कोई व्रत किए रहोगे फिर वो लौन मास आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब शुरू करो तो जैसे कि आप बता रहे हैं कोई मंगला गौरी का व्रत शुरू किया है, कोई सोमवार का व्रत, तो उनका सालों हो गया है, उनका 2 साल 3 साल पूरा हो गया है और हर तीसरे साल ये अधिक मास आता ही आता है। तो एक मास का जो अधिक मास का जो पुण्य फल होता है व्रत करके भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, उसको गिनती नहीं किया जाता है। तो जैसे लंबे समय तक किसी को प्रदोष व्रत करना है, 21 प्रदोष व्रत या पूरे साल का प्रदोष व्रत करना है, या आपको एकादशी व्रत शुरू करना है। अभी कल के कमेंट में बोले कि महिला पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहती है, तो बोले बिल्कुल आप करो, ये शुद्ध सावन में भी पड़ रहा है। ये जो 4 जुलाई से 17 जुलाई तक शुद्ध सावन है, फिर 18 जुलाई से पूरा 16 अगस्त तक अधिक मास है, फिर 17 अगस्त से 30 अगस्त तक फिर शुद्ध सावन आ जाएगा। तो वो जो 17 अगस्त के बाद जो शुद्ध सावन है, आप उसमें सभी व्रत उठा सकते हैं। सभी व्रत यानी सभी व्रत, हफ्तावारी व्रत। जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे पूछे हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि शुक्ल पक्ष की पंचमी जो कि देवी सरस्वती के नाम से होता है, वो गणेश चतुर्थी जो कृष्ण पक्ष की होती है, माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, पंडित जी बताए रहते हैं कोई ग्रह वगैरह रहता है बाधा तो बच्चों की सुरक्षा के लिए करते हैं। बहुत सारे जेंट्स लोग आदमी लोग विनायकी चतुर्थी व्रत करते हैं जो शुक्ल पक्ष में गणेश जी का आता है। तो बहुत सारे जो भी आपको करना हो तो आप 17 अगस्त से शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब इस बार आपको क्या क्या करना है व्रतों के लिए। जो लोग का 3 साल व्रत पूरा हो गया है ये चौथा साल माना जाएगा, और जो 9 मंगला गौरी है, 5 मंगला गौरी का जो व्रत है, देवी पार्वती जी को आप उसका पुण्य फल अर्पण करके अपने लिए सुरक्षा की कामना कर लें। उसी प्रकार से बहुत सारे भक्त महिलाओं का प्रश्न है कि वो 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं, 17वें सोमवार में वो अशुद्ध हो गई हैं। अब बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि जैसे कि मान लो कोई हफ्तावारी व्रत है तो वो उद्यापन कर रही हैं, चाहे जो भी हो, गुरुवार हो, संतोषी माता का हो, रविवार हो, सोमवार, कोई भी, तो उनका ये प्रश्न है कि क्या उद्यापन करने के बाद भोजन पूरा कर सकते हैं या नहीं, कि अगले बार से भोजन करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्रत का उद्यापन करी हैं, मान लीजिए कि आप मानी हैं 21 गुरुवार का व्रत कर रही हैं, तो 21 गुरुवार पूरा हो जाए तो 22वें गुरुवार को जब आप उद्यापन करोगे तो उद्यापन पूजा के बाद प्रसाद सहित सभी प्रकार का नमक वाला भोजन भी खा सकते हो। लेकिन आप 21 गुरुवार का व्रत का संकल्प लिए हो और 21वें गुरुवार ही आप उद्यापन करवा रहे हो, 21वां गुरुवार है, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि 21वां गुरुवार भी आपको पूरा करना पड़ेगा, तब तो 21 गुरुवार पूरा होगा। आप जैसे व्रत करते थे वैसे ही व्रत करोगे, फिर अगले गुरुवार से आपका माना जाएगा। तो ऐसा ना करके ऐसा ही करो कि जब पूरा हो जाए, 21 गुरुवार पूरा हो जाए तो 22वें गुरुवार में उद्यापन करो, तब आप खा पी सकते हो। 16 सोमवार का व्रत है, बहुत सारे महिलाएं बोलती हैं कि हम 16 सोमवार का व्रत को कर रहे थे, 17वें सोमवार में उद्यापन करना था फिर हम अशुद्ध हो गए, तो क्या करें। मैं बोली कि बिल्कुल आप अशुद्धता में बिल्कुल कोई भी नहीं बोलेगा ऐसे में उद्यापन करो। तो आप 17वें सोमवार को अगर अशुद्ध हो गए तो आप व्रत रखे रहो, पूजा तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर 16 सोमवार के बीच में भी अशुद्ध हो गए तो आपको व्रत करना पड़ेगा, पूजा नहीं, कहे कि तभी काउंट होगा 16 सोमवार का व्रत। फिर उसके बाद आप 18वें सोमवार में जब उद्यापन करोगे तो उद्यापन करने के बाद भोजन कर सकते हो। बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि हम 16 सोमवार का व्रत कर रहे थे, उस व्रत के बीच में उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या हो, व्रत रहती जाएं, क्या है कि ये जो मृत्यु होती है तो शुद्धिकरण वगैरह, फिर 18वें दिन का 16वें दिन का जो पूजा होता है वो सब चीज़ें होती रहती हैं, तो पूजा कर नहीं पाते व्यक्ति। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो व्रत को स्थगित कर सकती हैं, बंद कर सकती हैं, दोबारा से व्रत करें, और नहीं तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि व्रत करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि व्रत को स्थगित करना चाहिए, स्थगित यानी बंद कर देना चाहिए और नए तरीके से व्रत करना चाहिए। मान लीजिए ऐसे में 16 सोमवार में 16 सोमवार आप व्रत कर रहे हो, उसी में आपके घर किसी को बच्चा हुआ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप व्रत करें
और 16वें दिन स्नान हो जाता है, जो प्रसूता रहती हैं उनका बच्चे का स्नान हो जाता है, तो आप व्रत कर सकती हैं, पूजा न करें। मान लीजिए किसी किसी का 1600 मार का व्रत है तो उनका 1500 मार पूरा हो जाता है, तब ऐसा होता है। तो ऐसे में तो दोबारा से कोई 1500 मार करेगा नहीं, दोबारा उसको हो जाएगा। तो ऐसे में आप व्रत कर सकती हैं, बिल्कुल पूजा न करें। जब उद्यापन हो तो उसमें पूजा में सभी भरपाई हो जाता है दान पुण्य करके। तो मैं आपको इस बार बता रही हूँ कि आप सभी लोग 4 जुलाई से सावन जो लग रहा है इसमें कोई व्रत न शुरू करें। आगे जो 18 जुलाई से अधिक मास लगने वाला है तो इसमें व्रत छूते ही खंडित हो जाएगा, यानी कि खंडित ही माना जाएगा 9 महीने का। तो इसको लीप ईयर भी बोलते हैं, 3 साल में एक बार होता है। तो इसको आपको जो लोगों को व्रत करना है वो 17 अगस्त के बाद से व्रत को करेंगे, कोई भी व्रत हो। तो जैसे कि अब हर तो तीसरे साल लगता है अधिक मास, तो बोलेंगे कि तीसरे साल हर बार लगता है, तो हर बार तीसरे साल जब लगता है तो अधिक मास का जो व्रत होता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा करना चाहिए। और सावन में, यानी अधिक मास सावन में ही नहीं लगता, कभी भी लग सकता है। तो सावन में लगता है तो भगवान शिव जी को, या फिर सावन सोमवार है तो नहीं, और जैसे कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं अभी अधिक मास का, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण कर दें। मंगला गौरी का है तो माँ गौरी जी को उसका पुण्य फल अर्पण कर दें जो अधिक मास में पड़ रहा है, बाकी दो पहले का दो बात का जोड़ा जाएगा। और जैसे श्री गणेश जी का व्रत कर रहे हैं, श्री गणेश जी को अर्पण कर दें, प्रभु ये अधिक मास का जो व्रत है ये आपके लिए, इसका पुण्य फल है। बाकी तो हम व्रत करते रहते हैं तो उसका वही चाहते हैं कि हमारे पूजा व्रत का फल हमको मिले, हमारे परिवार को मिले, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो जिस भी देवी देवता का गुरुवार का कर रहे हैं तो देव गुरु बृहस्पति को अर्पण कर दें, जो भी गुरुवार पड़े, मंगलवार पड़े, रविवार पड़े, उन देवी देवताओं को अर्पण कर दें। और सोमवार का अगर आपका पूरा हो गया है तो आप कभी भी उसका उद्यापन कर सकते हैं। बाकी व्रत पूरे हो गए हैं तो उनको आप 17 अगस्त के बाद उद्यापन करें, अच्छे शुभ समय में उद्यापन करें, बाकी व्रतों का फल देवी देवता को अर्पण करते जाएं। तो मैं आपको छोटा सा वीडियो दी हूँ, जिन बेटियों का इस साल विवाह हुआ है उनको बहुत मन है मंगला गौरी का व्रत करने के लिए, तो आप अगर ऐसे ही करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन शुरुआत ऐसे में अभी नहीं करना चाहिए। आप अगले साल, इस साल अपना खूब आप खुशी मनाएं, और बहुत सारे अभी सावन के पर्व आएंगे, कजरी, रक्षाबंधन, ये सब कर सकती हैं। तो अभी आप खुशियां मनाएं और इस साल नया व्रत कोई शुरू न करें। आगे बहुत सारे पर्वों का वीडियो तैयार है, आपको आगे देती रहूँगी। तो आप सभी के लिए ये महापर्व सभी मंगलमय हो, सुखमय हो। आप ऐसे हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।